हेलो एवरीवन। तो बात हो अगर फिजिक्स का, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स काफी लोग बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैंने स्टार्ट किया है एक नया सीरीज, जिसमें कि मैं बात करूंगा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और उन सारे न्यूमेरिकल्स को कलेक्ट करके एक सिक्वेंस और पैटर्न में आप लोगों को वन बाई वन अलग अलग वीडियोज में मैं डिस्कस करूंगा। ये है हमारा वीडियो नंबर वन, जिसमें मैं फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूंगा। तो चलो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स ऑन बैलेंस फोर्स। फोर्थ चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है जिसमें बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर बना हुआ हमारा ये टॉपिक। अगर आपने थियरी चैप्टर हमारा नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाओ और फटाक से हमारा थियरी भी देख लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर पहला और ये वीडियो। ओके तो दोस्त, सबसे पहले मैं एक नंबर सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। उसमें मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, उससे पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस प्रॉब्लम्स को वीडियो को पॉज करके बाद में आप लोगों को लिख लेना है। अगर आप हमारा लाइव देख रहे हो तो लाइव के टाइम आपको बिल्कुल सिर्फ देखते जाना है क्वेश्चंस को। बिल्कुल आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पे। इसमें सिर्फ आपको फोर्स जो होता है उसे बैलेंस होने का मतलब पहले मैं बता दूं एक मिनट में कि बैलेंस होने का मतलब ये है कि ओवरऑल फोर्स को कुछ नहीं जा रहा है ना। तो अब देख लेते हैं हम सबसे पहला सवाल, सवाल के माध्यम से अपन सीखना शुरू करते हैं क्या क्या होता है बैलेंस वगैरह और उसमें उसको प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे बनाते हैं। बोले ए बॉडी ऑफ वेट 5 न्यूटन, एक बॉडी है उसके वेट कितना है 5 न्यूटन है। ये 5 न्यूटन का वजन वाला कोई बॉडी है, उसको रखा गया है इज केप्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक बहुत ही स्मूथ एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर 2 पैर में बनाते हैं। इस टेबल पे क्या रखा गया है मेरे दोस्त, इस टेबल पे रखा हुआ है क्या, एक बॉडी को। मान लो मैं एक बुक रख दे रहा हूं फिजिक्स का, ये फिजिक्स से मैंने बुक ले लिया और इस फिजिक्स के बुक को इसके ऊपर रख दिया गया और इसका वजन कितना गया है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन अगर वजन है तो वजन कहने का मतलब यह है ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, कितना 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड, सॉरी फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाई टेबल ऑन बॉडी, ये हमें बताना है। ये टेबल जो है इस बॉडी में कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। अच्छा दोस्त, इसमें क्या करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स जब भी आपको मिले तो सबसे पहले क्या किया करो कि उस बॉडी का एफबीडी ड्रॉ कर लेगा। जैसे यहाँ पे मुझे फिजिक्स का बुक दिख रहा है, मैंने फिजिक्स की बॉडी को यहाँ पे रखा है। अब ये बॉडी जो है इसमें ओवरऑल मैं देख रहा हूं ये है हमारा फिजिक्स का पुस्तिका। ओके, इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है मेरे दोस्त, मैं सारे फोर्सेस को एक एक करके स्प्लिट करके दिखा रहा हूं, थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं। ओके, उसके लिए मुझे स्केच लाना पड़ेगा, वीडियो पॉज करूंगा, घबराना मत, एक मिनट के लिए बस। आगे मैं रेड कलर का आपके लिए स्केच लेकर अब स्टार्ट करता हूं। इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस बनाने के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम में जब भी मैं फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं रेड पेन से शो कर रहा हूं। ओके, रेड इंक से देखो, इसमें मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एफ बी डी, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसमें मैं सारे फोर्सेस को शो करूंगा, फोर्स पहले नीचे कितना लग रहा है 5 न्यूटन का। अच्छा बॉल इसमें दिख रहा है, ये मुझे बताओ कि फिजिक्स का जो बुक इस टेबल पे रखा हुआ है जा कहां रहा है, धरती के नीचे जा रहा है या ऊपर की तरफ उड़ता जा रहा है। बोलो गुरु जी, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है आप पूछ लिए। इसमें क्या है, बुक ना तो नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। इसका मतलब पॉइंट तो है मेरे दोस्त, जो कि इस फोर्स जो नीचे 5 न्यूटन से खींच रहा है उसको कर रहा है ऊपर की तरफ बैलेंस कर रहा है। उस फोर्स को अपन बोल रहे हैं नॉर्मल फोर्स बोला जाता है। कौन सा फोर्स बोला जाता है मेरे दोस्त, नॉर्मल फोर्स। वो कौन लगाता है, टेबल लगाता है इसके ऊपर। तो ये कौन लगाएगा, टेबल। अब कितने न्यूटन का होगा, अब ओवरऑल जितना न्यूटन नीचे लग रहा है उतना ही न्यूटन ऊपर भी लगाना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल इस पे बैलेंस फोर्स लगेगा और ये मूव नहीं करेगा कहीं भी। बैलेंस फोर्स लगता है कभी वो मूव नहीं करता, ध्यान रहे, अगर मूवमेंट कोई नहीं हो रहा है इसका मतलब इसमें बैलेंस फोर्स लग रहा है। इसे बैलेंस फोर्स कितना लगेगा, 5 न्यूटन का है तो 5 न्यूटन ही लगेगा। डायरेक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड में। कौन लगाएगा, ये टेबल लगाएगा। किस पर लगाएगा, फिजिक्स की बुक पे लगाएगा। तो इसका आंसर देखोगे, आंसर कुछ ऐसे लिखना लिखा जाएगा इसका,
ये 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस तरीके से बस आंसर लिख लो। अब चलो ये था हमारा सबसे पहला सवाल जिसको मैंने सॉल्व कर दिखा दिया। अब चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ, उसमें हमें क्या पूछा जा रहा है। ये भी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पे ही बेस्ड है। अब मैं इधर वाला पोर्शन थोड़ा मिटा दे रहा हूं ताकि उधर वाले क्वेश्चन को पढ़कर इधर डायग्राम्स में बना सकूं। तो दोस्त मैंने साइड से इरेज कर दिया है। अब स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड सवाल को सॉल्व करने के लिए। सेकंड सवाल में मैं साफ साफ देख सकता हूं कि एक ब्लॉक है। इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले पढ़ लेता हूं, इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं। एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना दिया है, 5 न्यूटन। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं रेड पेन से। चला अच्छा है, ये हमारा 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस पर 5 न्यूटन का वजन वाला कोई ऑब्जेक्ट है, कहां रखा गया है, प्लेस ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे। हॉरिजॉन्टल टेबल किसको बोलते हैं, इस तरीके के टेबल को, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले फिजिक्स बुक रख के दिखाया था। ये हो गया हमारा एक दो लेग्स वाले हॉरिजॉन्टल टेबल, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल टेबल। एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, बिल्कुल स्मूथ है ये, और इस पर रखा क्या गया है, एक ब्लॉक रखा गया है। मैं इस पर एक ब्लॉक मान लेता हूं दूसरे कलर से, थोड़ा क्लियरिटी के साथ देखिए, ये है हमारा ब्लॉक, इसमें ब्लॉक रखा हुआ है। उसके बाद से बोल रहा है इसका वजन कितना है, 5 न्यूटन के बराबर है। ये है हमारा 5 न्यूटन, वजन तो हमेशा नीचे लगता है ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो 5 न्यूटन का हमारा लग रहा है नीचे की तरफ वेट। अब बोल रहा है एक पर्सन पुशेस द ब्लॉक, एक पर्सन जो है पुशेस कर रहा है, ब्लॉक को पुश कर रहा है, कहां, फ्रॉम टॉप, टॉप से नीचे की तरफ पुश भी कर रहा है। अच्छा, इस ब्लॉक को नीचे की तरफ पुश कर रहा है मतलब फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितने फोर्स से, बाय पुशेस द फोर्स ब्लॉक बाय एक्सर्टिंग ए डाउनवर्ड फोर्स ऑफ कितना, 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके उसको पुश कर रहा है। तो नीचे की तरफ लगा रहा है कितना, 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, राइट। तो नीचे जो फोर्स लगा रहा है वो 3 न्यूटन, और इसको पुश कर रहा है नीचे की तरफ। अब ये पूछ रहा है फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय टेबल ऑन द ब्लॉक बॉडी, ये टेबल जो है अब इस बॉडी को कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है मेरे दोस्त, देखते हैं ध्यान से बिल्कुल कैसे सॉल्व होगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम से ड्रॉ करेंगे, किसका, इस ब्लॉक का, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कर देता हूं मैं ड्रॉ अभी। क्या ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। मैं यहां फुल फॉर्म ले लेता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम, किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं मैं, ब्लॉक का। तो ड्रॉ कर देते हैं अपन, ये हो गया एफ बी डी, ब्लॉक एक मैं लिया इस तरीके से, इस पर फोर्स कहां का लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है सबसे पहला तो एक फोर्स मुझे दिखा किधर, नीचे की तरफ, कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का दिखा। तो मैं यहां से नीचे की तरफ लिया एक 5 न्यूटन का फोर्स। दूसरा एक बॉय भी 3 न्यूटन से नीचे की तरफ पुश कर रहा है, तो दूसरा न्यूटन कितना, दूसरा फोर्स कितना लग रहा है, 3 न्यूटन का नीचे की तरफ। अब दूसरा जो है ये फोर्स जब लगा तो ये ब्लॉक देख रहे हैं, ब्लॉक का भी नीचे की तरफ इस टेबल को छेद करके नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है अगर ये छेद कर नीचे की तरफ नहीं जा रहा तो इस पे बैलेंस फोर्स तो अप्लाई हो रहा था, अगर ये मूव कर रहा था तो अनबैलेंस फोर्स लगता, जब बैलेंस फोर्स लगता है तो कोई मूवमेंट नहीं होता। अब इस पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये है कि टेबल भी जो है इस पे कहां लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, टेबल जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, जो कितने के बराबर होगा, नीचे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उतने के ही बराबर होगा। तो नीचे पहले कितना लग रहा है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स बराबर कितने न्यूटन लग रहा है, एक तो 3 न्यूटन नीचे और दूसरा 5 न्यूटन, तो ओवरऑल कर सकते 5 + 3 = 8 न्यूटन के बराबर। ये फोर्स लग रहा है कहां मेरे दोस्त, नीचे की तरफ, इसीलिए अपर टेबल की वजह से जो लगेगा वो कितना होगा, फोर्स बाय टेबल ऑन ब्लॉक बराबर कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन बराबर, इसी के बराबर होगा क्योंकि उसे बैलेंस करना है। और कहां होगा, अपवर्ड ऊपर की तरफ लगेगा। ये हो गया हमारा सवाल संख्या 2। चलो कंटिन्यू करते हैं सवाल संख्या 3 की तरफ, जो कि होगा किस पे, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पे। तो चलो दोस्त स्टार्ट करते हैं अपन सवाल संख्या 3। चलो 3 नंबर सवाल में ये कह रहा है कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, कितने न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन,
कहां एक्ट कर रहा है, टॉवर्ड्स ईस्ट में, एंड एन अननोन फोर्स इफ बैलेंस ईच अदर। तो एक अननोन, एक बोल रहा है कि एक फोर्स जो है किसी ब्लॉक पे, मान लो कि मैं लगा रहा हूं ये ब्लॉक बी हो गया, इस पे एक फोर्स कौन सा लग रहा है, एक फोर्स जो है ईस्ट की तरफ। तो देखो हमेशा डायरेक्शन ऐसे प्लेन पे होता है, ऊपर की तरफ हमेशा लेके चलो नॉर्थ, नीचे लेके चलोगे साउथ, इधर क्या लेके चलोगे मेरे दोस्त ईस्ट, इधर लेके चलोगे वेस्ट। एक ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है ना, ईस्ट डायरेक्शन ये हुआ, देखो ईस्ट डायरेक्शन इधर होता है, इस डायरेक्शन में कौन सा कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है मेरे दोस्त, 10 न्यूटन का। अब बोल रहा है एक अननोन फोर्स है, एंड एन अननोन फोर्स इफ बैलेंस ईच अदर, इस फोर्स को एक अननोन फोर्स इफ जो है वो बैलेंस कर रहा है। तो बता रहा है कि भाई अननोन फोर्स कौन है। अब अननोन फोर्स बोल रहा है कि इसको बैलेंस कर रहा है। अच्छा ये बताओ, कभी देखे हो छोटा बच्चा सबको कुछ अगर अपने घर में बोल दिया जाए कि एक बक्सा रखा हुआ है, मम्मी बोल दी कि इसको खसका के ले जाना है दूसरे रूम में, क्योंकि दिवाली का सीजन है, दिवाली के सीजन में एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो अपन तो पूछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है धकेल के चले जाएंगे। छोटा भाई जो होता है ना बड़ा एक नंबर का वो हो जाता है, समझते हो तुम। तो क्या है कि अगर अपन उसे कहते हैं कि चलो इसे धकेल के लेके चलते हैं दूसरे वाले रूम में, तो अपन अगर लेफ्ट साइड से जैसे देख भाई यहाँ पे अगर पुश कर रहा है एक बड़ा वाला भाई, इधर से पुश करके अपन उधर लेके चल रहे हैं, तो वो होगा साथी, अगर उसको खिलाए पिलाए तो ठीक, अन्ना ही तो क्या करेगा इस डायरेक्शन में नहीं अपोजिट डायरेक्शन में लगाना शुरू कर देगा, अगर वो सेम टारगेट वाला है, क्योंकि खाता पीता ज्यादा है भले ही अपन बड़े हो। तो क्या है कि अगर सेम फोर्स से इधर अप्लाई कर दिया तो बॉक्स कभी हिलेगा नहीं। इसका मतलब ये है इसके ऊपर अगर दूसरा वाला फोर्स जो होगा वो बैलेंस करने के लिए इधर लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। कितने न्यूटन का, जितना न्यूटन का इधर लग रहा था, तो ये फोर्स जो है मुझे कितने न्यूटन का लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन का, तभी जाकर ये बैलेंस होगा। कह रहा नहीं इसमें बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को, देखो यहाँ पर वर्ड यूज कर दिया है जो कि एक दूसरे क्या कर रहा है बैलेंस की चल, इसलिए ये अननोन फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, अननोन फोर्स एफ बराबर कितना होगा 10 न्यूटन। साथ में ध्यान रहे फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जब भी आंसर लिखना है मेरे दोस्त डायरेक्शन जरूर बताना, वरना टीचर काट के नंबर अगर ना दे तो तुम चिल्लाते रह जाओ कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें मुझे करना क्या पड़ेगा, इसमें डायरेक्शन में लगाता हूं, ये कौन सा डायरेक्शन था इस इधर इधर बीच होता है, इधर कौन होता है वेस्ट, तो यहां पर लिखेगा लिखना पड़ेगा मुझे वेस्ट डायरेक्शन। ओके तो ये वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है कौन सा फोर्स 10 न्यूटन का, ये हो गया आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला एक ब्लॉक है उसका मास कितना दिया है 1.5 kg, मैं इसे मिटा दे रहा हूं ताकि ये चीज को मैं यहां सॉल्व करके दिखा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, एक ब्लॉक है मास कितना दिया है मेरे दोस्त 1.5 kg का, एक ब्लॉक है जिसका मास दिया गया है 1.5 kg। अब ये बोल रहा है ना एक हैंग कर रहा है एक फिक्स सपोर्ट से, ये हैंग कर रहा मतलब लटकना होता है, क्या करना होता है लटकना, ऐसे एक फिक्स सपोर्ट दिया गया है, क्या मेरे दोस्त फिक्स सपोर्ट लिया गया है, और इससे एक धागे से लगा इसको लटका दिया गया, किसको इस फिक्स सपोर्ट को। तो फिक्स सपोर्ट को जब अपन धागे से लटकाते हैं तो एक धरती माता एकदम जिद्दी है, कोनो आसपास में आ जाए ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए तुरंत तैयार रहती है। अब मैं देखता हूँ कि धरती माता कितना इसमें फोर्स लगा रही है, और धरती माता हमेशा जो फोर्स लगाती है वो एम जी के बराबर लगाती है, तो ये एफ जी बराबर कितना होगा, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ये कितना होगा एम जी के बराबर। तो मास कितना दिया है 1.5 kg, और जी का वैल्यू हमेशा 10 लेके चलते हैं, कितना लेके चलते हैं मेरे दोस्त 10, तो मैंने 10 रख दिया यहाँ पे, इस डेसिमल को हटाओ तो नीचे हमारा आ जाएगा कितना 10। अब इस 10 से उस 10 को अपन कैंसिल कर देते हैं, ये 10 से 10 कैंसिल, 0-0 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 × 1 = 15 न्यूटन का फोर्स कहाँ लग रहा है मेरे दोस्त नीचे की तरफ, तो 15 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ इसको बैलेंस करने के लिए लग रहा होगा, क्योंकि ये अपन ब्लॉक का अगर एफबीडी ड्रॉ करूं तो ब्लॉक का एफबीडी कैसे ड्रॉ करेंगे, एफबीडी ब्लॉक का एक फोर्स तो लग रहा है कौन कहां नीचे की तरफ, वो कौन सा है ग्रेविटेशनल फोर्स, कितने न्यूटन का 15 न्यूटन का, और ऊपर की तरफ कौन लगा रहा होगा स्ट्रीम लगा रहा होगा, फोर्स ड्यू टू धागा लगा रहा होगा ताकि ये ब्लॉक नीचे ना जाए, क्योंकि देख रहे हो ब्लॉक में देख रहा हूं धागा से इसे पकड़ के जब लटकाया होगा तो क्या सीन बनेगा, नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा अर्थ,
अब दूसरा धागा उसको क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, यहाँ पे बैलेंस फोर्स लगा, अगर वो बैलेंस फोर्स लग रहा है ऊपर से धागा बंद कर दे मतलब धागा उसको कट दे तो क्या सीन बनेगा, वो ब्लॉक नीचे चला जाएगा क्योंकि उस पर एक ही फोर्स लगा रहा होगा, वो कौन, बैलेंस फोर्स जो कि नीचे की तरफ है, जिधर की तरफ अनबैलेंस फोर्स लगा उधर तक मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे बैलेंस है इसलिए मूव नहीं कर रहा है, अगर मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब बैलेंस है, तो ऊपर की तरफ धागा कितना लगा हुआ है, अगर नीचे 15 न्यूटन तो ऊपर की धागा 15 न्यूटन लगा है, यहाँ से कह सकते हैं फोर्स जो है पहला नंबर में हमारे से यही पूछा द फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, धागा कितना इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, तो मैं यहां लिखूंगा ए नंबर सॉल्व करके फोर्स बाय स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक कितना न्यूटन लगेगा हमारा मेरे दोस्त, 15 न्यूटन होगा, इसका डायरेक्शन कहां होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां लिखेंगे अपन अपवर्ड ऐसे। दूसरा बोल रहा है सेकंड नंबर में एक और सवाल हमारे से पूछा जा रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द स्ट्रिंग, ये ब्लॉक जो है धागे पे कितना फोर्स लगा, तो चेक कर लेते हैं धागे के बारे में, धागा भी तो कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो धागे पे कुछ ऐसा सीन बन रहा होगा, देखो न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है ना, न्यूटन थर्ड लॉ में बताया गया होगा, फॉनिक न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर मान लो तुमको एक चक्कर कोई मार रहा है, तुम बदले में उसको एक चक्कर की फोर्स से तुम्हारा गाल भी जो उसके हाथ पे मार के चला जाता है, इसका मतलब ये है कि जितना हम किसी बॉडी एक बॉडी पे मतलब मान लो चक्कर मार तो ये हाथ से फोर्स कहाँ लग रहा है, मेरे गाल पे, तो गाल कहाँ फोर्स लगाता है, उसके हाथ पे, तो देखना कॉस के कोना मार के जाएगा ना उसको हाथ में भी चोट लगता है, टीचर लोग भी मारता है लोग हाथ में चोट लगता है कि नहीं, जबरदस्त वाला, इसलिए लगता है क्योंकि गाल भी हमारा फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन में न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से लगा के चलता है, इसलिए टीचर लोग भी थोड़ा स्लो ही मारता है या फिर दूसरा स्टिक यूज कर लेता है, फोर्स अगर बैकवर्ड में न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा तो किस पे लगेगा, स्टिक पे लगेगा, हाथ पे नहीं लगेगा, इसलिए लोग हाथ से मारना बंद कर दिया आजकल। अब क्या करते हैं अपन, इसमें मुझे ये पता चला कि ये धागा जो है इस ब्लॉक के ऊपर ऊपर डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है 15 न्यूटन का, धागा लगा रहा है, अब धागा लगा रहा है तो ब्लॉक भी उसको अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाएगा, किससे, न्यूटन्स थर्ड लॉ से, तो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ से यह हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा पता है फोर्स एग्जर्टेड बाय ब्लॉक ऑन स्ट्रिंग, फोर्स बाय ब्लॉक ऑन स्ट्रिंग ये कितने न्यूटन के बराबर, ये भी 15 न्यूटन के बराबर, लेकिन अब डायरेक्शन देखना ध्यान से, ये धागा जो लगाएगा ना वो ऊपर की तरफ लगाएगा, लेकिन ये ब्लॉक जो लगाएगा नीचे की तरफ वो लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से ये कहां डाउनवर्ड डायरेक्शन, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन लगता है, ये जो ब्लॉक लगा रहा है वो कहां लगा रहा होगा मेरे दोस्त, नीचे की तरफ। वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और भी कुछ शानदार सवालों के साथ, जिसमें कि मैं आपको डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड हमारा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स से रिलेटेड 3 और प्रॉब्लम्स। तो अब वीडियो में हम लोग लास्ट सेक्शन में आ गए जहां पर मैं आपसे पूछूंगा कुछ सवाल जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है बाय सॉल्विंग इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।